जय श्री राम दोस्तों, स्वागत है आप सभी कार्स राइड की एक और नई वीडियो में। मेरा नाम है तरुण। दोस्तों आज मैं आपको बताने वाला हूँ BS6 डीजल गाड़ियों के बारे में, जो कि बिल्कुल डिसकंटिन्यू होने वाली है। और कौन कौन सी गाड़ी डिसकंटिन्यू होने वाली है इस वीडियो में आप सबको बताऊंगा कि कौन कौन सी डीजल गाड़ियां डिसकंटिन्यू होने वाली है अप्रैल 2023 से। तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर दो और वीडियो कर देना लाइक। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों कुछ गाड़ियां डीजल में जो है वो टोटली डिसकंटिन्यू होने वाली है मार्केट से। सबसे नंबर वन पर आ जाती है होंडा की अमेज, मतलब, और दूसरे नंबर पर आ जाती है होंडा की सिटी डीजल, और तीसरे नंबर पर आती है ह्युंडई की वरना, और चौथे नंबर पर ह्युंडई की i20, और पांचवे नंबर पर टाटा की अल्ट्रोज। ये गाड़ियां जो थी बहुत अच्छी माइलेज देती थी डीजल में, अभी टोटली डिसकंटिन्यू होने वाली है मार्केट से। क्योंकि ये क्यों डिसकंटिन्यू होने वाली है, क्योंकि BS6 का फेज़ टू आने वाला है अप्रैल 2023 से। ये मिड अप्रैल 2023 से सारी गाड़ियां डिसकंटिन्यू हो जाएगी, तो एक तरीके से ये लास्ट चांस है आप लोगों के लिए। अगर आप लोगों को खरीदनी है गाड़ियां जो डीजल में अच्छी माइलेज दें, या आप डीजल गाड़ियां ड्राइव करते हो, तो भाई आप जा सकते हो इनकी तरफ, क्योंकि ये लास्ट चांस है एक तरीके से। क्योंकि एक दो महीने की तो वेटिंग है ही गाड़ियों पर, तो जाओ जाके बुक कर लो अगर करनी है, और नहीं करनी तो भी कोई बात नहीं। तो ये थी छोटी सी इन्फॉर्मेशन कार्स राइड की चैनल की तरफ से। तो मिलता हूँ आपसे ऐसी ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ, जब तक के लिए बाय।